ये है चाइनीज फिशिंग नेट और ये अंदर इनका ऐसे होता है भैया, पूरा फिजिक्स है। इधर इन लोगों ने वेट वगैरह लगाया है, उधर से नेट को खींचता है नीचे लेके। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं ड्रीम कैचर होम स्टे पे। ये रहा हम लोग का छोटका, चलते हैं। अन्ना बनाना चिप्स, बनाना चिप्स यस। अच्छा अच्छा अन्ना, व्हाट इज दिस? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। हां दिस इज बनाना, पूरा वेजिटेबल, पूरा ओके मिक्स वेजिटेबल। इकेन व्हाट इज दिस? इकेन व्हाट इज दिस? अमीर कने अभी लेफ्ट में गियर, गियर गियर गियर। ओके ओके, राइस वाइट है ना? नो वाइट है, एंड अदर राइस इज आल्सो गुड, रेड राइस। हां स्वीट, ओके। तो ये है अपना हार्दिक जो कि ऑथेंटिक केरला थाली है, और आज होना मैं तो वैसे ही हम लोग यहाँ का ऑथेंटिक थाली ट्राई कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 59 डिशेज है, डिफरेंट डिशेज है, जिसमें फ्रूट्स वगैरह भी इंक्लूड है, और ये स्वीट्स है सामोसा। हर चीज़ का एक अलग फ्लेवर लग रहा है ना। आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं एक एक करके। गाइस ये पापड़ है, पहले तो देख के मेरे को लगा पूड़ी है, लेकिन ये पापड़ है। फिलहाल हम लोग आए हैं आर्यन होटल कोची, एंड यहाँ पर अभी ओनम फेस्टिवल चल रहा था, जिसका कि देख सकते हैं आप लोग थाली 15-16 डिश के साथ, पूरे बाहुबली राइस है, बाहुबली थाली, बाहुबली राइस जो बोल सकते हो। इसका भैया का है जो रेड राइस है, एंड मेरा ये वाइट राइस है, मैं लिया हूँ, और बाकी सब कंटेंट सब सही है, कंटेंट सही है, क्योंकि केरला का बनाना चिप्स बहुत फेमस है। बनाना चिप्स छोड़ो, ये बनाना देखो, पूरा ऑर्गेनिक बनाना ऐसे लग रहा है। खाने के बाद खाने के लिए दिए हैं, क्योंकि इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। नहीं नहीं, खाने के पहले भी खा सकते हैं, इसके बाद से मज़े भी बनते हैं। मेरे को नहीं पता यार क्या इन लोग डाले हैं इस पे, बाकी इस जितना है ये सब पे देखिए नारियल भी दिखता होगा आपको, एंड इस पे 3-4 प्रकार के पिकल्स हैं, एंड ये इधर से स्टार्टर होके यहाँ पे लास्ट ख़त्म होता है जो मिठाई पे, जो कि एक घी वाला है, और इतना इतना अच्छा लग रहा है, मतलब हद से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है स्वाद पे। इन लोग का जो स्पेशल है मीन्स टेस्ट इतना ही अच्छा है, मतलब कौन सा सब्जी खाऊं कहाँ लोग यहाँ पे थोड़ा। ये वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मतलब वेजिटेरियन है, अंडा का खाने से मैं सोचता था कि यहाँ के मतलब नॉन वेज ही खाऊंगा, क्योंकि साउथ पे तो मोस्टली नॉन वेज बहुत फेमस होता है, लेकिन आज ओनम था तो यहाँ का ओनम स्पेशल वेज था भी हम लोग खा रहे हैं। ये खाने का बदल लग रहा है नॉन वेज से कम नहीं है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम लास्ट की थाली, बहुत ख़तरनाक था, बहुत बढ़िया था। एंड चलते हैं नेक्स्ट प्लेस। सो फाइनली गाइस, आर्यन होटल से अपन का खाना हुआ, जहाँ की ओनम का यहाँ स्पेशल डिश था, वो थाली बोलते हैं कुछ उस टाइप का, तो बहुत बहुत अच्छा था, वेराइटीज़ था पिकल्स पे भी, एंड कुछ कुछ सब्जी ऐसे भी था जहाँ पर मेरे को तो नाम भी नहीं पता उन लोगों का, लेकिन एक चीज़ कॉमन था जो कि नारियल का फ्लेवर सब पे आ रहा था, और हद से ज़्यादा अच्छा था यार, मतलब वेजिटेरियन पे ना इतना अच्छा खाना मैं खाया नहीं हूँ, और ये मेरा पहला खाना है यहाँ पर कोची पे। एंड ये है जहाँ पर मैंने रूम लिया हूँ कल सवेरे तक, ड्रीम कोचर कैचर। तो अभी हम लोग निकल गए हैं जीरो स्ट्रीट। सो गाइस ये Yeah, but it is.
How much? Chota wala 60. Chota wala, this one 60? This one. This is 350. This is 350. This is 250. 250. This is LP. LP boat. Okay. Rosewood. Rosewood. Lakdi. Aha. Okay. तो गाइस यही है जियो स्ट्रीट, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर जैसे कि कोई पुराना चीज़ टाइप का, जो हमारा बहुत पहले वाला चीज़ कॉइन वगैरह लेके बहुत सारे चीज़ सब, यही सब यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है हमें। एंड एक्स्ट्रा पे बोलूँ तो मैं यहाँ पर देखिए, जैसे कि क्या बोले, ट्रेडिशनल थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है यहाँ पर। जैसे कि इधर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप जीव स्ट्रीट पे, यहाँ के ज़्यादातर ही ट्रेडिशनल चीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं एंड बहुत पुराना चीज़। भैया भी देख रहे हैं, ये रहे बहुत पुरानी। तो ये जीव स्ट्रीट का यहाँ अंदर है, यहाँ पर जहाँ बोटिंग किया जाता है, ये है अपना कोची पे जीव स्ट्रीट का साइड पे बोटिंग सेंटर। यहाँ पर बोट उट लगा है, यहाँ पर बोटिंग करने के लिए है अपन का, लेकिन हम यहाँ पर बोटिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे उड़ीसा पे बुरला पे। गाइस ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पाइसेस है कोची पे, जहाँ मैं आया हूँ एंड मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर कि 100% ऑर्गेनिक। यहाँ पर आप आ सकते हैं तो ले सकते हैं स्पाइसेस, जो कि मसाला वगैरह हुआ एंड ओरिजिनल तेल उल रहेगा, जितना भी है सब आप ले सकते हैं यहाँ से, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो मैं यहाँ से ये लिया, मैं यहाँ से सौप वगैरह लिया, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, एनिमल प्रोडक्ट, इसका कुछ भी मिलावट नहीं है। सौप लिया यहाँ पर 11 फ्लेवर का, जो कि मैं पपाया कर लिया, वो मेरे को बेस्ट लगा। जैसे यहाँ पर आप इधर भी देखिए, यहाँ पर जो परफ्यूम वगैरह है, यहाँ से बेस्ट परफ्यूम आपको अवेलेबल कराएंगे, ये है ओनर आपको। तो गाइस यही है चाइनीज फिशिंग, किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर से खींचते हैं ये, चार्जर निकलता चार्ज
यहाँ से ऐसे रस्सी छोड़ेंगे तो बाद में लेंगे। अभी हम लोग कोची का बीच से आए हैं जो महात्मा गांधी बीच है, महात्मा गांधी बीच। सो अभी आए हैं साइड पे जो स्ट्रीट फूड जगह है, जो रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पर ज़्यादातर तो ये मछली वगैरह प्रॉन्स वगैरह ये सभी फेमस है। बाकी मेरे लिए वेज के लिए ऑप्शन उतना कुछ खास था नहीं, और मैं तो बोलूँ तो वही मैं किसी को मना नहीं करूँगा नहीं खाओ बोल के, क्योंकि मेरा भाई खुद खा रहा है, उसको मना नहीं कर पाया मैं। ये देखिए ये कुछ है इस टाइप का, बनाना पत्ता का फेमस है। ये रहा मेरा भाई मंचूरियन गोभी, बस ऐसे। सो अभी खाते हैं देखते हैं कैसा रहता है इसका टेस्ट। केरला का ये पराठा, ये फेमस केरला पराठा। थोड़ा स्पाइसी करने बोला था इसलिए स्पाइसी बनाया है, वैसे कुछ फर्क नहीं है इस पर, नॉर्मल है। और जो पराठा है केरला पराठा ठीक ठाक है, लच्छा पराठा टाइप का है, वैसे उतना कोई कुछ खास है नहीं इस पर, क्योंकि यहाँ नॉनवेज फेमस है। वो खुद बोल रहे थे कि नॉनवेज ट्राई कीजिए बोल के मेरे को, बाकी मैं गायब हूँ, मैं गरीब हूँ।